बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी में तारीख़ इस्लाम का इंतहाई दर्दनाक वाकया पेश आया कि जब ख़ानदान अहल बैत और उनके तमाम जान निसार रुफका को यजीदी लश्कर ने भूख प्यास की हालत में शहीद कर दिया। इस तरह हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला की शहादत के बाद औलाद रसूल को कैद कर दिया गया और नबी की बेटियों को बेपर्दा करके कूफा और शाम की तरफ ले जाया गया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको वाकये करबला की तफसील बताएंगे। रसूल अल्लाह के ख़ानदान पर यजीदी लश्कर ने क्या जुल्म व सितम ढाए, उनकी लाशों के साथ क्या हशर किया और उनकी बीवियों को कैद करके कहाँ ले गए, इन तमाम तर बातों का तज़किरा हम आज की इस वीडियो में करेंगे। लिहाजा जल्दी से वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए चलकर आज के अहम मौजू का आगाज़ करते हैं। प्यारे दोस्तों, हुसैन इब्ने अली ने यजीद इब्ने माविया की बैत नहीं की। हुसैन इब्ने अली यजीद इब्ने माविया की हुक्मरानी को गैर कानूनी, नाजायज़ और गैर शरी समझते थे। मुहर्रम के 10वें दिन हुसैन इब्ने अली और उमर साद के लश्कर आमने सामने थे। अबू मुखन्निफ के मुताबिक इमाम हुसैन की फौज की तादाद 32 घुड़सवार और 40 प्यादा थे और इमाम मोहम्मद बाकिर के मुताबिक 45 घुड़सवार और 100 प्यादा थे। उसके सामने उमर बिन साद की फौज थी जिसमें 30,000 के करीब जवान थे। जंग शुरू हुई तो हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथी मारे गए। हुसैन की शहादत के बाद उमर बिन साद की फौज ने हुसैन की फौज के 72 अरकान के सिरों को नेजों पर बुलंद किया और उनके इज्साम पर घोड़े दौड़ाए। हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर को शहीद करने के बाद यजीदी फौज की बदबख्तों ने अहले बैत की तमाम पाक दामन खवातीन के सरों से दुपट्टे को उतार दिया और उनके पैरों में बेड़ियां डालकर उनको कैद करके ले जाया गया। इमाम हुसैन की शहादत के बाद बीवियों को कैद करके आगे आगे यजीद की फौज खुशियां मनाती जा रही थी और नाचती जा रही थी। उनके पीछे अतार की पाक दामन खवातीन कैद होकर आ रही हैं और फौज यजीद ने तमाम शहीदों के कटे हुए सरों को अपने नेजों पर उठाया हुआ था और वहां मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असाब के जिस्म मुबारक बगैर सर के पड़े हुए थे। मैदान करबला में हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हुई थी। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि 3 दिन तक मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपकी आल औलाद की लाशें बगैर कफन दफन के पड़ी रहीं। चुनाचे 13 मुहर्रम 61 हिजरी को जब आसपास के लोगों को ये मालूम हुआ कि यजीदी फौज का पहरा कम हो चुका है तो आसपास के लोग नहरों फराज से पानी भरने के लिए आए। बनी असद की कुछ औरतें जब फहरों फराज से पानी भरने के लिए आईं तो उन्होंने मंजर देखा कि मैदान करबला में हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी हैं। किसी का बाजू कहीं पड़ा है तो किसी का जिस्म कहीं पड़ा है तो किसी के पांव कहीं पड़े हैं। उन औरतों ने लर्जा देने वाला जब ये मंजर देखा तो वो भागते हुए अपने मर्दों के पास गईं और अपने मर्दों से कहने लगी कि इस करबला के मैदान में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान पड़ा हुआ था, शायद यजीद ने उनको शहीद कर दिया है। उन शहीदों की लाशें बिखरी हुई पड़ी हैं और उनके खैमे जले हुए हैं। वो औरत ने अपने मर्दों से कहने लगी कि आओ हम चलकर आले रसूल के शहीदों को दफन करते हैं। उन औरतों की ये बात सुनकर उनके मर्द उन औरतों से कहने लगे कि तुम पागल हो गई हो, आले रसूल को यजीद ने कत्ल किया है, अगर हम उनको दफन करेंगे तो यजीद कहीं हमारा भी दुश्मन ना बन जाए और कहीं हमको भी कत्ल ना कर दें। तुम इस बात को छोड़ दो, कोई ना कोई आएगा तो उनको दफन कर देगा। अपने मर्दों की ये बात सुनकर वो औरतें अपने मर्दों से कहने लगी कि ताज्जुब है तुम्हारे ईमान पर, तुम लोग रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ते हो और उनकी आल से ये मोहब्बत रखते हो। याद करो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था, मैं तुम लोगों से कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि तुम लोग मेरी आल से मोहब्बत करो। इस तरह ये औरतें अपने मर्दों से कहने लगी कि अगर तुम नहीं जानते तो मत जाओ, हम जाएंगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद और उनके नवासे को दफन करने के लिए। प्यारे दोस्तों, जब बात यहाँ तक कान पहुंची तो उन मर्दों में से चंद मर्दों की गैरत जाग उठी और वो अपनी औरतों के साथ मैदान करबला में जा पहुंचे। बस जब ये लोग मैदान करबला में पहुंचे तो उस मंजर को देखकर खून के आंसू रोने लगे और सोचने लगे कि उनको कैसे दफन करें। उन्होंने देखा कि मैदान करबला में जितने भी शहीद मौजूद हैं, किसी के तन पर सर नहीं तो किसी का बाजू नहीं तो किसी के जिस्म के टुकड़े टुकड़े पड़े हैं। ये मंजर देखकर वो हैरानों परेशान हो गए और सोचने लगे कि उनको कैसे दफन किया जाए। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि एक बहुत ही बड़ी कब्र बनाई जाए और उसके अंदर तमाम शहीदों को एक साथ दफन कर दिया जाए। ये लोग शहीदों को दफन करने के लिए कब्र खोद ही रहे थे कि अचानक से एक घुड़सवार उनके पास आया और ये मंजर देखकर ये लोग सोचने लगे कि शायद कोई सिपाही है
ये लोग उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो। तो वो घुड़सवार बोलने लगा कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का बेटा ज़ैनुल आबिदीन हूँ। ये मंजर देखकर तमाम लोग ज़ारो कितार रोने लगे। उसके बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ज़मीन पर एक कपड़ा बिछाया और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की इज़ा को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कहीं से इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का हाथ मुबारक मिलता है तो कहीं से इमाम हुसैन के जिस्म का कुछ हिस्सा मिलता है। इस तरह हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तमाम जिस्म के हिस्सों को जमा किया और एक मकाम पर इकट्ठा कर लिया। और जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को दफन करने के लिए मैदान करबला की जमीन को खोलते हैं तो देखते हैं कि एक जगह पर पहले से ही कब्र बनी हुई है। चुनाचे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को उस कब्र के अंदर दफन फरमा देते हैं और उनके साथ हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपने भाई हजरत अली असगर और हजरत अली अकबर को भी दफन कर देते हैं और मैदान करबला में एक कब्र बना देते हैं। और दूसरी तरफ जो उन लोगों ने एक बहुत बड़ी कब्र खोदी थी, वहां उस कब्र में करबला में मौजूद तमाम शहीदों को उस कब्र के अंदर दफन कर दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, मैदान करबला में मौजूद उस जगह को आज भी गंजे शहीदां कहा जाता है, जहां तमाम शहदाए करबला के जिस्म मुबारक एक साथ दफन किए गए हैं। इस तरह जब तमाम शहदाए करबला को दफन कर दिया गया तो किसी ने कहा कि एक शहीद को दफन करना अभी बाकी है, कोई बूढ़े सहाबी हैं, उनको अभी तक तदफीन नहीं किया गया। उस वक्त हजरत इमाम सजाद रजी अल्लाह तआला अन्हु रोकर फरमाने लगे कि ये हबीब इब्ने मज़ाहिर है। आप अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है कि उनको ऐसी जगह दफन किया जाए कि जहां पर जब भी कोई हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए तो उनको सलाम करके आए। उसके बाद हजरत हबीब रजी अल्लाह तआला अन्हु को दफन किया गया। जब सब लोग दफन करने के बाद जाने लगे तो किसी ने कहा कि ठहरो, अभी एक और शहीद को दफन करना बाकी है। तो लोगों ने कहा कि तमाम शहीदों को दफन कर दिया गया है, अब कौन सा शहीद बाकी है? तो हजरत इमाम सजाद अली सलाम फरमाने लगे कि आओ नहरो फिरास के किनारे पर। जब तमाम लोग वहां पर पहुंचे तो देखा कि हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक बाजू पड़ा है। जब लोग थोड़ा आगे बढ़े तो देखा कि हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु का दूसरा बाजू पड़ा है और हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु का जिस्म मुबारक वहां पर मौजूद है, जहां पर आप तड़पते तड़पते शहीद हुए थे। उसके बाद हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र खोदी गई और आपके जिस्म मुबारक को भी एक मकाम पर दफन कर दिया गया। आज भी मैदान करबला में हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक एक दूसरे के आमने सामने है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अहले बैत से भी इंतहा मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और जिस इस्लाम की खातिर अहले बैत ने अपनी जानों को कुर्बान किया उस इस्लाम पर हकीकी तौर पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमें कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को दूसरे भाइयों में सदका जारिया समझकर इस मुहर्रम में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह की ईमान अफरोज वाकये के साथ। तब तक अपने प्यारे भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेकबान।